में जवाब देंगे। भाई क्या गन्ने की फील्ड में जवाब देगा भाई, कौन सी फील्ड में जवाब देगा? बाबर आजम को कोई बताए यही फील्ड है, इसी को फील्ड कहते हैं, उसको किसी ने खेत दिखा के बोल दिया ये फील्ड है, यहाँ आके जवाब देना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं यार? मैं भी सोच रहा था, पाकिस्तानियों को नाम रखने का कोई सेंस नहीं है। नवाज शरीफ का नाम शेर रख दिया, उसके प्लेटलेट्स ने काम करना बंद कर दिया, लाहौरियों ने उबले हुए चावलों का नाम बिरयानी रख दिया, फिर बाबर आजम का नाम किंग रख दिया, और जन्म के अंधी नाम नैन सुख। जैसे तुमने पढ़ा था वो शहद की मक्खियों के बारे में, शहद की मक्खियों में होती है क्वीन भी, मलका मक्खी। मलका मक्खी कोई काम नहीं करती लेकिन वो फिर भी मलका है। सो बाबर आजम जो है बैक टू बैक, उसने कहा फील्ड में जवाब देंगे। क्या गन्ने की फील्ड में जवाब देगा भाई, कौन सी फील्ड में जवाब देगा? बाबर आजम को कोई बताए यही फील्ड है, इसी को फील्ड कहते हैं, उसको किसी ने खेत दिखा के बोल दिया ये फील्ड है, यहाँ आके जवाब देना है। सो बाबर भाई, बच्चों के नाम जब भारी पड़ जाते हैं ना तो बच्चों के माँ बाप उनके नाम चेंज कर देते हैं। आप खुदा का वास्ता एक दफा नाम अपना चेंज करके देखो, नाम कोई हल्के में आ जाओ यार। किंग छोड़ो, आपसे अच्छा तो बहादुर शाह जफर था आखिरी किंग, वो बिल्कुल फारिग था लेकिन उसमें भी वो चार पांच गजलें अच्छी लिख गया, उर्दू के सिलेबस का हिस्सा है मैट्रिक एंटर की किताब में। बाबर भाई अब बहुत खुश नसीब हो, जब हम गली में खेलते थे ना, अगर एक मैच में अच्छा नहीं खेले अगले मैच में थर्ड मैन, उसमें अच्छा ना खेले तो उससे अगले मैच में सिर्फ गटर में से गेंद निकालने के लिए हमें टीम में रखते थे। यार गटर में गेंद की कौन निकालेगा? आप नाम चेंज करने पर थोड़ा सा कंसिडरेशन करो, जैसे बच्चों के नाम चेंज करते हैं ना आप, हल्का नाम में पता है क्या ट्राई कर सकते हो? टारगेट किलर्स वाले नाम ट्राई करो, वो बिल्कुल लो स्टैंडर्ड के होते हैं। जैसे आप रखो बाबर भोला, बाबर टुंडा, बाबर काणा, बाबर लंगड़ा, बाबर गोली, बाबर टीटी, बाबर कैपरी, इस तरह का कोई नाम ट्राई करो, बाद में वापस चेंज कर लेना। किंग कौन सा आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है? किंग चेक कर लिया, इन नामों को भी मौका दे दो यार, क्या पता आप काम कर जाओ। हम तो आपको बस अच्छा खेलता हुआ देखना चाहते हैं, फिर आपका नाम बाबर हो, जुलेखा हो, रिजवाना आजम हो, कुछ भी हो, हमें आपसे प्यार है, आपकी परफॉर्मेंस से प्यार है। अब आप देखो बाकी एक मिनट, रिजवान भाई और अब्दुल्ला भाई, आप दोनों को ढेर सारी पप्पियां इस गाल पर भी और इस गाल पर भी। व्हाट अ परफॉर्मेंस, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया। मतलब हम मैच देखते हैं बोल फिल्म के हकीम साहब की तरह, जज्बाती होकर। हरवा दिया ना कमबख्तो, दिल से दुआ निकलती तो कबूल होती ना। आप इंडिया में देखो तो सही, हो क्या कह रहा है? पाकिस्तान की एक इकलौती फीमेल जर्नलिस्ट गई थी इस दफा वर्ल्ड कप कवर करने आईसीसी की तरफ से, जैनब। जैनब को पाकिस्तान वापस आना पड़ गया क्योंकि दिल्ली के किसी वकील ने पुराने ट्वीट्स खोलकर, उसके पुराने ट्वीट्स निकालकर उस जर्नलिस्ट के उस पर केस कर दिया। फिर जर्नलिस्ट ने कहा मार गया वर्ल्ड कप यार, वापिस चलो पाकिस्तान, वो पाकिस्तान वापिस आ गई वर्ल्ड कप छोड़कर। तभी देखो तो स्टेडियम की सीटों पर बीजेपी की आइडियोलॉजी पड़ी हुई है, कबूतर की बीटें पड़ी हुई है, सीटें गंदी हुई हुई है, कभी दरवाजे बंद करके मैच हो रहा है, कभी किसी को वीजे नहीं दे रहे, कभी किसी की पुरानी ट्वीट्स निकाल रहे हैं। बाबर भाई अगर एक दफा वो 150 विकेट्स विक्ट्री अगेंस्ट इंडिया ऐसा कुछ आप कर देना यार। अभी तो सिर्फ श्रीलंका से मैच हुआ है, अभी ऑस्ट्रेलिया बची हुई है, अभी इंडिया बची हुई है, इंग्लैंड बची हुई है, न्यूजीलैंड बची हुई है। अगर श्रीलंका भी यहां तक आ रही है तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ये कहां तक जाएगी? सो इस परफॉर्मेंस पर थोड़ा सा काम करें, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा काम करें यार। आपको खेलने के ही तो पैसे मिल रहे हैं, बाकी और कौन सा कोई काम है आपकी जिंदगियों में? अगर बुरा ही खेलना है मुझे ले जाओ, मेरे इस दोस्त को ले जाओ अपने साथ, इतना ही बुरा खेल के देंगे और टीम को खर्चा भी हम कम देंगे। हमारे सिर्फ आने जाने की टिकट कर लेना और रिहाइश का बंदोबस्त कर लेना, हमें मैच की फीस नहीं चाहिए, हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। लेकिन आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, आप हमारे जैसा तो एटलीस्ट मत खेलो यार। और आई होप पाकिस्तान अगले सारे मैचेस जीते। वी विश यू वेरी वेरी बेस्ट।